हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हमारा एक टॉपिक है वेब ब्राउज़र। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था www के बारे में, जो एक अलग टॉपिक था, लेकिन ये कंबाइंड टॉपिक है वेब ब्राउज़र क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं वेब ब्राउज़र होता क्या है। अ वेब ब्राउज़र एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड वेब सर्वर। वेब ब्राउज़र क्या है, जो एक्ट करता है बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर। सर्वर और क्लाइंट के बीच एक इंटरफेस का काम करता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र को क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए सर्वर से, और सर्वर को क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन देना है। बट ये कैसे देगा, तो ये इंटरमीडियरी यानी कि बीच बिचौली का काम करता है आपका वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्लाइंट से क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है एंड वो देता है सर्वर को। देन सर्वर के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो जाती है पहले वेब ब्राउज़र के पास, देन आपका आता है क्लाइंट। जब आप कभी भी आपको कोई चीज़ सर्च करनी होती है, तो आप सबसे पहले कहाँ जाते हैं, सर्च इंजन में जाते हैं या वेब ब्राउज़र में जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ओपेरा या क्रोम, ठीक है, कुछ भी सर्च करना है, तो आप सबसे पहले ये एप्लीकेशन ओपन करते हैं या ये एप्लीकेशन ओपन करते हैं, इसमें क्लिक करते हैं, देन आपको जो भी टाइप करना होता है, जो भी चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन, वो टाइप करते हैं और सर्च में डालते हैं, तब ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको निकल कर आती है। ठीक है, तो ये क्या है, किसके थ्रू आप सर्वर तक जा रहे हैं, वो पार्ट है आपका वेब ब्राउज़र का। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप सर्वर तक जाते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट रेसिडेंट ऑन देन दैट रिसाइड्स ऑन अ कंप्यूटर एंड इज़ यूज टू लोकेट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। ये क्या करता है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ प्रोग्राम है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है वेब पेजेस। ठीक है, आप एज अ क्लाइंट किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, तो आपको ये सीधे लेकर जाता है वेब पेज तक। ठीक है, तो ये आपको वेब पेज प्रोवाइड करता है। वेब यूज़र एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब सर्वर्स थ्रू अ क्लाइंट प्रोग्राम कॉल्ड ब्राउज़र। तो इस पर्टिकुलर जो प्रोसेस चल रहा है इंफॉर्मेशन एक्सेस का, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा ब्राउजिंग चल रहा है ब्राउज़र के थ्रू। ठीक है, अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर रिट्रीविंग, प्रेजेंटिंग एंड ट्रैवर्सिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ऐसी चीज़ बताई गई जो मैंने अभी बताया हुआ है कि वेब ब्राउज़र आपका क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो कि आपको प्रेजेंट करता है, आप पर्टिकुलर आप क्लाइंट हैं, क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए सर्वर से, तो ये आपके जो रिक्वेस्ट है वो वहाँ तक पहुँचाता है और सर्च करके ला के देता है आपको वेब पेज। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ऑल मेजर वेब ब्राउजर्स अलाउ द यूज़र टू ओपन मल्टीपल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। कुछ जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं, वो एक साथ कई मल्टीपल पेजेस को ओपन करने में सक्षम है, यानी कि आप एक पेज ओपन किया, उसके बाद फिर प्लस का निशान दिखेगा, या आप उसी जगह पे ये पेज ओपन है, उसके बाद भी आप कोई दूसरा पेज ओपन कर सकते हैं, तीसरा ओपन कर सकते हैं, चौथा, तो ये इसका फीचर्स है कि एक साथ कई सारे पेजेस को ओपन कर सकता है किसी एक विंडो में। ठीक है, डिफरेंट ब्राउजिंग विंडो में और डिफरेंट टैब्स में। ठीक है, टैब्स का ऑप्शन देता है या विंडो का ऑप्शन देता है, तो डिफरेंट विंडो या डिफरेंट टैब्स में आप डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन एक साथ निकाल सकते हैं, एक साथ ओपन कर सकते हैं। अ रिफ्रेश एंड स्टॉप बटन फॉर रिफ्रेशिंग एंड स्टॉपिंग द लोडिंग ऑफ करेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसका फीचर्स है कि ये रिफ्रेश या स्टॉप बटन जो है ना आपको प्रोवाइड करता है रिफ्रेशिंग के लिए, या किसी भी लोडिंग जो करेंट डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए या बंद करने के लिए। ठीक है, होम बटन दैट गेट्स यू टू योर होम पेज। होम बटन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली होम पेज पर आ सकते हैं। होम पेज क्या होता है, जो किसी भी चीज़ का जो फ्रंट पेज होता है, जैसे गूगल का देखा होगा, गूगल इस तरीके से गूगल लिखा होता है और कुछ इस तरीके का स्पेस, तो ये इसका क्या है, गूगल का फ्रंट पेज है, पहला पेज जो होता है। ठीक है, मेजर ब्राउज़र ऑल्सो इंक्लूड पॉप अप ब्लॉकर्स टू प्रिवेंट अनवांटेड विंडोज़ फ्रॉम पॉपिंग अप विदाउट द यूज़र्स कंसेंट। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है, आप एज अ यूज़र आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको पॉपिंग अप भी कर सकते हैं। पॉपिंग अप यानी कि उस पर आप रोकथाम लगा सकते हैं, ये भी फैसिलिटी भी आपको ब्राउज़र प्रोवाइड करता है। इसकी हिस्ट्री क्या है, देखिए कल जो पिछली वीडियो मैंने दिया हुआ है आपका www का, तो उसमें मैंने कवर किया हुआ है ये चीज़ें। देखिए, जो सबसे पहला आपका वेब ब्राउज़र है वो आपका www ही है, जिसके बारे में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, टोटल A to Z उसको देख लीजिएगा। www ये जो है वो आपका फर्स्ट वेब ब्राउज़र है, उसकी हिस्ट्री वगैरह मैंने बताई हुई है यहाँ पर, फिर से जान लीजिए। www जो है क्या है, वेब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज या वेबसाइट्स है, जो कि
टिम बर्नर्स-ली ने आपको ये 1991 में प्रोवाइड करवाया था, सबसे पहले इन्होंने ये लेकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फिर आपका ओपेरा फर्स्ट अपियर्ड इन 1996, ऑल्दो इट हैव ओनली 2% ब्राउजर यूजर शेयर एज ए अप्रैल 2010, इट हैज़ अ सब्सटेंशियल शेयर ऑफ द फास्ट ग्रोइंग मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के लिए जो सबसे पहला ब्राउज़र आया था वो था आपका ओपेरा। ठीक है, तो इस तरीके के और भी बहुत सारे नेटस्कैप है, नेटस्कैप का आपका आया है मोज़िला। तो देखिएगा, अगर टाइप्स ऑफ ब्राउज़र की बात करें तो ये आपके ब्राउज़र के टाइप्स ऑफ ब्राउज़र में आपको बहुत सारे ब्राउज़र मिल जाएंगे आज के टाइम में। तो फर्स्ट आपका ब्राउज़र तो क्या है, www ही है, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ पेजेस हैं, कलेक्शन ऑफ पेजेस या कलेक्शन ऑफ साइट्स अवेलेबल होती हैं, जिसके थ्रू आप जो है ना वो साइट्स या पेजेस को तक पहुँच पाते हैं। तो सबसे पहला जो ब्राउज़र था वो www था, उसके बाद फिर ओपेरा मिनी मोबाइल के लिए फर्स्ट आया था ब्राउज़र। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ब्राउज़र हैं, जैसे ये अमाया, AOL एक्सप्लोरर, ईलिंक्स, तो ये सारे आप लोगों को हो सकता है इतना ना पता हो, बट इंटरनेट एक्सप्लोरर है एंड मोज़िला है, मोज़िला, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स, नेटस्कैप, ओमनी वेब, ओपेरा, सफारी, तो इन कुछ ये काफ़ी सारे आपके पास वेब ब्राउज़र इस टाइम अवेलेबल हैं। और कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र हैं जिनको ये लाइनक्स है, जिनको आप हेडिंग डालकर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में मैंने बताया हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र व्हेन इट वाज रिटन www वाज द ओनली वे टू व्यू द वेब। जब ये एक पहला एक साधन था, एक रिसोर्स था जिसके थ्रू आप वेब पेजेस तक पहुँच सकते थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट है। नेक्स्ट आपका आता है मोज़िला फायरफॉक्स। मोज़िला फायरफॉक्स जो है वो काफ़ी फास्टर है, काफ़ी तेज़ वर्क करता है और अपने फुली कस्टमाइज वे टू सर्व द वेब की, कस्टमाइज यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मीन्स फायरफॉक्स काफ़ी कस्टमाइज है, कस्टमाइज मीन कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई ऐसी साइट है जो नहीं चाहिए, जैसे स्कूल वगैरह में फेसबुक वगैरह अलाउ नहीं होता है, फेसबुक है या सोशल मीडिया अलाउ नहीं होती है, तो इसमें आप फायरफॉक्स लगा सकते हैं, फायरवॉल लगा सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स फेसबुक वगैरह नहीं चला पाएंगे कॉलेज के वाईफाई का यूज़ करके। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका ये है मोज़िला, जो ये काफ़ी पॉपुलर नहीं है। आप दो चार वेब ब्राउज़र को डालकर अपने अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने यूज़ के। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये आपका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि अब ये आपका है माइक्रोसॉफ्ट वालों का। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में डालते हैं, विंडोज़ 10 है फॉर एग्जांपल, विंडोज़ 10 है, तो ये जो है, ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो ये लोग उसमें एम्बेड करके ही देते हैं, इंस्टॉल करके देते हैं एप्लीकेशन के साथ, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी है और साथ में रहता है। तो सबसे पहले लोग इसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, देन अगर उनको रिक्वायरमेंट होती है किसी और ब्राउज़र की तब वो डाउनलोड करते हैं। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इज अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टिंग इन 1995। ठीक है, तो ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके साथ ही आता है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट आपका आता है ओपेरा। जो ये जो ओपेरा है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपके मोबाइल वगैरह में। ठीक है, ओपेरा इज़ अ वेब ब्राउज़र एंड इंटरनेट सूट डेवलप्ड बाय ओपेरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपेरा सॉफ्टवेयर के थ्रू डेवलप किया गया। द ब्राउज़र हैंडल्स कॉमन इंटरनेट रिलेटेड टास्क सच एज डिस्प्लेइंग वेबसाइट्स, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल मैसेजेस, मैनेजिंग कॉन्टैक्ट्स, चैटिंग ऑन IRC, डाउनलोडिंग फाइल्स वाया बिट टोरेंट एंड रीडिंग वेब फीड्स। मीन की जो आपका ये ओपेरा है, मोबाइल वगैरह में भी देखा होगा, तो ये जनरली जो बेसिक वर्क होता है वो करने के लिए यूज़ होता है, कि आपको किसी साइट को देखना है या कुछ ईमेल सेंड करना है या रिसीव करना है, मैसेजिंग करने में, IRC इंटरनेट रिले चैट में, डाउनलोड फाइल्स में, तो ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट आपका आता है सफारी। ठीक है, सफारी भी आपका क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। सफारी इज़ अ ग्राफिकल वेब ब्राउज़र फॉर, कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं पर्टिकुलर जो पॉपुलर वेब ब्राउज़र है उसका पर्टिकुलर नाम दे दिया, कि व्हाट इज़ द वेब ब्राउज़र सफारी, या व्हाट डू यू मीन बाय वेब ब्राउज़र सफारी, सफारी वेब ब्राउज़र क्या है, तो आपको अलग से एक्सप्लेन करना भी पड़ सकता है। अदरवाइज़ सिंपली क्वेश्चन वेब ब्राउज़र भी बन सकता है, कि व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र।
ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है सफारी। सफारी इज़ अ ग्राफिकल वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय एप्पल। ये आपका एप्पल के थ्रू डेवलप किया गया है एंड इंक्लूड एज पार्ट ऑफ द मैक ओएस एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द कंपनीज मैक ओ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इट बिकम्स एप्पल्स डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। ये जो आपका सफारी है ये एप्पल कंपनी के थ्रू डेवलप किया गया है, तो इसलिए जो एप्पल का फ़ोन आता है या एप्पल का लैपटॉप फ़ोन आता है तो इसमें ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मीन्स होता है, जैसे अभी बताया कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसके साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर डिफ़ॉल्ट आता है। मीन्स कि जब आप परचेज़ जब आप डाल रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में, तो ऑटोमेटिक वो ब्राउज़र आपके लैपटॉप में रहेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स है उसके साथ ये डिफ़ॉल्ट एप्पल्स डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है सफारी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक दो बार देख लीजिए अगर नहीं क्लियर होता, अगर नहीं होता इसके बाद भी तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।